वेलकम टू दिस चैनल मिशन वन लिव्ड, इट्स माला सिंह। कैसे हो आप सब एंड कैसी रही आपकी प्रिपरेशन? आपने सारा प्रिपेयर किया या नहीं? ओके, सो कुछ चीज़ें ना मैं क्लियर कर देती हूँ आपको इस वाले वीडियो में, सो मुझे प्लीज़ सुनना ध्यान से। अभी मैं आपको जो जो पॉइंट बताऊँगी प्लीज़ उसको माइंड में रखना गाइज। अभी जितना भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है मैं उसको यूज़ करके बनाती हूँ, ओके। बट एग्जाम में क्या होता है ना, अभी मेरे पास 4 शीट है, सपोज़ मेरे पास 4 शीट्स है तो मैं 4 शीट को यूज़ करके बना रही। एग्जाम में अगर आपको 2 शीट मिला 2 ही तो यूज़ करोगे ना, तो इसी तरीके से जो भी मटेरियल आपको मिले उसको अच्छे से मैनेज करके यूज़ करना। अभी मैं इतना बड़ा मॉडल बना सकती हूँ या इतना बड़ा, मैं चाहूँ तो बहुत बड़े बड़े मॉडल्स बना सकती हूँ, लेकिन एग्जाम में 4 शीट है तो 4 शीट के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, ओके। एंड मैंने ज़्यादा पेपर से इसीलिए किया क्योंकि मटेरियल से कोई चीज़ नहीं बनाई जाती, ओके। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप अगर मटेरियल से वो बनाओगे ना जो उन्होंने बोला है, जैसे कि सपोज कोई एंट्रेंस गेट बोला है, ठीक है, तो पूरा एंट्रेंस गेट ही अब वायर से बना दो तो वो इतना अपीलिंग नहीं होगा। तो शीट से हमें बेसिक चीज़ें बनानी चाहिए, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो आपको शीट से बनाना चाहिए, देन उसके ऊपर वो मटेरियल्स यूज़ करना चाहिए। जैसे थर्माकोल बॉल को मैं जोड़ जोड़ के एंट्रेंस गेट नहीं बनाऊंगी, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो ना वो इतना मजबूत होगा कि वो पूरा हैंडल कर पाए। इसीलिए ना पेपर से यूज़ करके बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ, उसके ऊपर डिटेलिंग करने के लिए मटेरियल्स यूज़ करो, ओके। इसलिए मैं ज़्यादा मटेरियल का यूज़ नहीं करके कुछ नहीं बनाती, मैं सिर्फ पेपर स्ट्रक्चर से आपको समझाने की कोशिश किया सारे वीडियोज़ में। इसलिए आप चाहो तो अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना को एग्जैक्टली वही फॉलो करना है जो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप अपनी एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ें और अपनी मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, ओके, डेकोरेट करने के लिए, उसको डिटेल करने के लिए, ओके। पेपर्स मिला है ना तो पेपर का स्ट्रक्चर बनाओ, पेपर का पूरा बॉडी बनाओ, उसके ऊपर डिटेलिंग के लिए क्ले यूज़ करो, थर्माकोल बॉल यूज़ करो, चाहे टूथपिक यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, बट डिटेलिंग के लिए, ओके। सो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि दीदी टेप, डबल साइडेड टेप नहीं यूज़ करना है, स्टेपलर नहीं यूज़ करना है, ये सब आप क्यों करते हो? फिर तो मैं इसलिए करती हूँ ना क्योंकि सब करेंगे, आप खुद देख लेना, आप जब जाओगे एग्जाम देने वहाँ हर चीज़ लाइक टूल्स में सभी चीज़ कैरी कर सकते हो आप, ओके। अगर मना होगा तो आप एक बार पूछ लेना उनसे, क्योंकि सेंटर की बात होती, लाइक दिल्ली में ऐसा है कि हर चीज़ ही ले जाना अलाउड होता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लेके जा सकते हो, लाइक टूल्स में, मटेरियल नहीं टूल्स, ओके। तो टूल्स में आप कुछ भी लेके जा सकते हो और उसे यूज़ भी कर सकते हो इवन। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मना है, एडमिट कार्ड पे हमेशा ही लिमिटेड चीज़ें ही मेंशन होती है, सो डोंट वरी, अगर आपको आपके सेंटर पे मना हो तो आप मत यूज़ करना, अदरवाइज आप लेके जाना ताकि अगर यूज़ हो तो आप इसे यूज़ करना, ओके। और बहुत अच्छे से मॉडल क्रिएट कर सकते हो आप इन चीज़ों को यूज़ करके, ट्रस्ट मी। सो बहुत हो गई सारी बातें, अब चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एंट्रेंस गेट। तो एंट्रेंस गेट का डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, आप बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल भी बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लो भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, बट टाइम मैनेज करके आपको सारा काम करना है, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ओके। सो इन दिस वीडियो जो मैंने करके दिखाया है वो आप चाहो तो सेम टू सेम करना, एंड इस वीडियो मैंने बहुत सारी मटेरियल यूज़ किया है, सो डोंट वरी, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड कलरफुल शीट्स, ओके। उसके बाद आप उसे कटवर्क कर लेना, लाइक जो भी आपका थीम हो उससे रिलेटेबल एलिमेंट्स, लाइक मेरा यहाँ पे जू है तो जू से रिलेटेबल एनिमल्स ही कट कर सकती हूँ मैं, बर्ड्स हो सकता है उसमें, उसमें लीफ हो सकती है, लाइक आप फॉरेस्ट में जो चीज़ें होती है वो सब इसमें आप मेंशन कर सकते हो एंट्रेंस गेट में, लाइक एलिमेंट के रूप में उसे डेकोरेट कर सकते हो, ओके। सो जो भी टॉपिक हो उसी के एलिमेंट्स आपको कट करके पेस्ट करने हैं। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुछ एनिमल्स, सो आप भी मेरे साथ ये प्रोसीजर करो, ओके, एंड इन्जॉय भी करो ताकि आप बोर ना हो। Thank you.
एक और वीडियो पोस्ट मुझे करना है, सो डोंट वरी गाइस, क्योंकि मैं जितना कर सकती थी आई विल डू माई बेस्ट, और मैंने पूरा कंटिन्यूसली पोस्ट किया है. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस, जस्ट लेट मी नो, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है एडिटिंग में, ऐसे जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत है, और एक इंसान सब कुछ कर रहा है तो सोचो वो कैसे कर रहा है. और मैं लिटरली मैं सो नहीं रही हूँ, ऐसा हाल हो चुका है मेरा. सो यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट डोंट वरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Till then, stay tuned and have a happy vacation. All the best.